3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और प्रत्याशी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसलिए उनका जनसंपर्क जोरों शोरों पर है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव चकने नगला पांसा, न्यू बालाजी नगर, चांदनी धाम, श्री राम कॉलोनी, लोधीपुरम, टापा खुर्द, सविता नगर, द्वारिकापुरी, कांसीराम नगर में लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अगर विधायक बन जाते तो वे सभी समस्याओं का निदान कराएंगे। में जा रहे हैं, हर समाज में के लोगों के पास जा रहे हैं। हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ये रोज उनसे सब परेशान हैं। परम आदमी भवन कुमारी मायावती जी तक जो 2007 से 2012 तक का जो शासनकाल रहा उसमें सर सलमान में मैदान में जो नारा दिया था, उस नारे के तहत सब सब समाज के लोग खुद से रिश्तेदारी उससे भागित। टूंडला विधानसभा क्षेत्र में आपको कैसा जनसंपर्क? टूंडला विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अच्छा मिल रहा है। जहाँ जहाँ जितने लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, सब लोग कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं, कानून उनकी जो कानून व्यवस्था थी उनके शासनकाल में उसको याद कर रहे हैं और सब लोगों की यही पुकार से बहन जी फिर द्वारा 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी फिर इस उत्तर प्रदेश की मुखिया और बने। ये सब लोगों का कानून व्यवस्था के तहत सब लोगों का ऐसा मानना है कि बहन जी के अलावा इस प्रदेश को कोई सवाल नहीं करता।